डॉक्टर सुनील डिमेलो शिंदे और मैं जीवी जब से स्टार्ट हो गया तब से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रस्टीज़ और अच्छी सेवा कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं और ट्रस्टीज़ के साथ हमारा व्यवहार, मतलब वो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, हमको एकदम घर जैसा है जी। नहीं एक साल पूरा हुआ आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या 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 रहे, कैसा रहा अनुभव अगर एक साल की बात करें, जो पेशेंट के आए उन्होंने इलाज करवाया फिर वापस आए तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पेशेंट्स काफ़ी खुश होके जाते हैं क्योंकि एक ही जगह सब कुछ हो जाता है और काफ़ी मतलब अच्छी रेट में सर्जरीज वगैरह होती है तो पेशेंट खुश होते हैं, अच्छा सर्विस मिलता है और फिर वो रेफर भी करते हैं तो ऐसे ही पेशेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो एक साल में अच्छा पिकअप रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिन जिन पेशेंट को स्पेसिफिकली कॉर्निया का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि कॉर्नियल इन्फेक्शन है या फिर ड्राइनेस है आँख में या फिर उनको कुछ केमिकल इंजरी या ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके लिए स्पेशली मैं देखती हूँ। साथ साथ में मैं कैटरेक्ट वगैरह भी करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए स्पेसिफिक जो चीज़ है कि कॉर्निया रिलेटेड कोई पेशेंट्स रहेंगे तो मैं उनको स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो इस तरह से पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट इलाज जो है वो फास्ट हो जाता है और हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो इसके लिए उनकी स्पेशलाइज सेवा भी कर सकते हैं। जिन्हीं के ट्रस्टियों ने हमें बहुत सारा हेल्प दिया है और सपोर्ट भी दिया है, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर इसके लिए। आज एक साल वर्ष पूरा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला तो फिर से हैं आप डायलिसिस फ्री इलाज करते हैं लोगों का, तो ये कितना काबिल तारीफ है, समाज को इससे कितना बेनिफिट मिलता है, क्या कुछ? सबसे पहला तो आँख जीवन में सबसे अमूल्य चीज़ है कि भगवान ने जो खूबसूरत नेचर बनाया है कि जिसको आँख नहीं है उनको मालूम है कि कैसे मतलब कितनी तकलीफ पाते हैं जीवन में, तो आँख का एकदम अच्छा, ये लोग जो बेस्ट काम करते हैं, सस्ते में ऑपरेशन करते हैं मोतियों का और जो भी फ्री चेकिंग करते हैं, और ये जो एक साल पूरा के लिए मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ और ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरा जो हमारे डायलिसिस के हॉस्पिटल है वो 6,000 ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं और एवरी महीने के पहले सेंटर को हम लोग 400 लोगों को अनाज देते हैं, एक फैमिली के 4 मेंबर को, और एवरी डे ओल्ड एज वाले को टिफिन देते हैं घर में फ्री होम डिलीवरी, प्लस एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प, जीव दया हेल्प, अनाथ आश्रम, ओल्ड एज, ओल्ड क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बहुत सी सेवा मातृ से जया में चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्राइट आउटडोर मीडिया साथ में करते हैं। मेरे को आज सर ने आज बुलाया तो मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि ये भी अगर कोई सोशल एनजीओ वाला काम है तो मैं उसमें जुड़ेगा और कोई गरीब लोग को जो भी मदद हो सके मेरे उसे करेगा। आज उल्टे का प्रमोशन भी है, उल्टे फिल्म बना रहे हैं मनोज जी नानपानी जी, नहीं नहीं योगेश जी, हम लोग एक तरीका इन्होंने नायाब तरीका अपनाया है कि हम गरीबों के बीच, लोगों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर हम अपने उल्टे फिल्म का प्रमोशन करेंगे, तो किस प्रकार से शुभकामनाएं होगी? बहुत बड़ी इनकी आइडिया है, नेक आइडिया है और अमीर लोगों को तो पार्टी देके सभी लोग फिल्म का मुहूर्त करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नोवेल नया चीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा मैंने सुन के भी खुशी हुई कि दुनिया में गरीब लोग की केयर करने वाले भी पड़े हैं, तो भगवान इस तरह से सबको सद्बुद्धि देवे कि अपनी इनकम का थोड़ा परसेंटेज जो है गरीब लोगों में, दान धर्म में, अच्छे काम में, समाज सेवा में, एनजीओ में और सोशल में यूज़ होने चाहिए। और सर की सब फिल्म में मैं एक हिस्सा हूँ और बॉम्बे में 100 में से 19 मूवीज़ में ब्राइट का नाम है और ब्राइट आउटडोर पार्टनर है। मैं बीच में बोलना चाहूँगा, मेरी बेटियों की बल्ले बल्ले को बीच में ही बोलूँगा, मेरी साइलेंस प्लीज साइलेंस, हमारी जो फिल्म 4 महीने पहले रिलीज हुई, हिट हुई बेटियों की बल्ले बल्ले, उसमें योगेश जी ने एक अच्छा स्पेशल अपीयरेंस का किरदार भी किया था मेरी रिक्वेस्ट पे और टचवुड मुझे लाखों रुपए के होर्डिंग उन्होंने ब्राइट आउटडोर की ओर से फ्री भी दिए थे कि बोले बेटियों का सब्जेक्ट है, वैसे ही हमारी उल्टे के लिए योगेश भाई मेरे साथ आजीवन जुड़े रहे, वो मेरे भाई समान है, मैं जब पहली फिल्म कर रहा था तभी भी योगेश भाई ने मुझे उतना ही सपोर्ट किया था, आज मैंने करीब 24-25 फिल्मों से ज़्यादा फिल्म रीजनल कर ली है और उल्टे में भी योगेश भाई हमारे साथ नहीं है, प्रीमियर भी हेमांगिनी बेन खास योगेश जी को इनवाइट करेंगे और बिना ब्राइट के कभी भी कुछ ब्राइट नहीं होता है, और आँखों को भी आज
आई सेंटर को भी ब्राइट कर दिया है योगेश जी। मैम क्या कुछ कहेंगे आज उल्टे प्रमोशन के लिए आए हुए योगेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगेश जी ने पहले भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है और मुझे उनका जो ये डायलिसिस सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है जो वो कुछ महीने पहले लाए तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और तब मैंने उन्हें काफ़ी सारा अभिनंदन भी दिया कि ये आप बहुत ही अच्छा लाए हो। और अच्छी बात यह है कि लोग अपने माँ बाप को जिंदा होते हैं तब भी बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन आज योगेश जी के मन में जो उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके पिताजी के लिए आज भी जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है और जिस तरह से वो उनके नाम पे भी जो अच्छे काम करते हैं वो सराहनीय है। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भाई, बहुत अच्छी बात है एंड वी आर लकी कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े। के बारे में मैंने काफ़ी सुना था पहले भी और यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैंने खुद यहाँ बहुत लोगों को रिफ़र किया और जिनको कभी कभी कहा गया था कि भाई आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन इनके डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि सिर्फ कुछ आई ड्रॉप्स और कुछ मेडिकेशन से ही उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा और लाभ हुआ। इसलिए हमारी फिल्म उल्टे जो आ रही है इस सितंबर में, उसके प्रमोशन के लिए हमने सोचा है कि हम मॉल्स वगैरह में तो जाएंगे ही, लेकिन क्योंकि ये इतना अच्छा ट्रस्ट है और यहाँ पे लोगों की इतनी अच्छे से सेवा की जा रही है और वाकई में ये एक सेवा वाला ही ट्रस्ट है और यहाँ के डॉक्टर्स आप देख लो या यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देख लो तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रस्ट है तो कैसा होगा। यहाँ जब आप आएंगे आप इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपको वाकई में लगेगा नहीं कि ये कोई ट्रस्ट है, आपको लगेगा आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने और मेरी पूरी टीम, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे एक्टर्स हैं, आप सबसे मिलेंगे और ये भी हमारे उल्टी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो आप देखेंगे कि हम आपको बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल इवेंट्स में भी नज़र आएंगे और उन्हें सपोर्ट करते हुए। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप एक वर्ष पूरा कर रहा है ये जो, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कैलेंडर वाइज ये एक वर्ष है, लेकिन मुझे लग रहा है ये वर्षों से यहाँ काम चल रहा है। उतना जो लोग यहाँ पे जो पेशेंट से मिला, तो जो सर्विस जियो सेवा ट्रस्ट दे रही है जिन्हें आई केयर में, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो आँखों पे लोड ज़्यादा आता है कंपेयर टू पहले, तो हम आँखों के बारे में जो केयरलेस रहते हैं, तो जिन्हें आई केयर ने ये जो एनुअल फ्री आई चेकअप कैंप रखा है एक महीने के लिए, तो आप ज़रूर आइए। आप चाहे बोरीवली रहते हो या माटुंगा रहते हो, देखिए नॉर्मली ये जो आई चेकअप होता है जो लेवल पर ये यहाँ पर है उसका कहीं ना कहीं एकदम लोएस्ट में भी 1,500 का कॉस्ट आता है। तो ये जियो सेवा ट्रस्ट और जिनी आई केयर ने बहुत अच्छा हमारे मुंबई के रहवासियों के लिए रखा है कि भाई आप फ्री में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सुबह 9 से शाम के 4 तक आइए। मैं भी इतना पहले कौन से ज़्यादा काम में भाग दौड़ रही है वो, जैसा हमारे मैडम जी हमारे सर बैठे, हम उल्टे में दिन रात काम में लगे थे, तो आज यहाँ आया तो मौका मिला, तो आई टेस्ट किया तो पता चला वैसे अच्छी आँख, डॉक्टर ने भी बोला मरने तक अच्छी देगी, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉप सजेस्ट किए, तो वो फायदा मुझे मिला यहाँ आने। तो मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि प्लीज प्लीज ये जो फ्री आई चेकअप कैंप है, आंखों को प्लीज, आंखों से हम दुनिया देखती है, हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया आपकी आंखें देखे वैसी रखो। जियो सेवा ट्रस्ट में यहाँ आइए, आई चेकअप कराइए, और हाँ आपकी आंखें बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको उल्टे फिल्म देखने की भी बहुत मजा आएगी, ये उल्टे आपको एंटरटेन करने सितंबर में आ रही है। जी सर क्या कुछ कहेंगे, एक वर्ष पूरे हो रहे हैं इसको जेडी को, हाँ ये जियो सेवा किस प्रकार का लोगों का एक्सपीरियंस रहा तो शेयर करना चाहेंगे? अभी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो जिनके जिनके ऑपरेशन हुए हैं या यहाँ पे जो पेशेंट है वो बहुत सेटिस्फाई है सर्विस से, और उनको भी बहुत अच्छा, जो जो पहले पेशेंट यहाँ अभी मैंने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ने उनको मना किया था कि आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती है, उनका विज़न अभी बिना चश्मे के वो देख सकते हैं, उतना अच्छा विज़न आया है। जिनका इंटरव्यू अभी उन्होंने दिया है वो मैंने भी देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो नॉर्मल इतनी बड़ी बड़ी महंगी हॉस्पिटल नहीं कर सकती है वो ये लोग बहुत सारे कम रेट में दे रहे हैं, और सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। और अभी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पे कैंप रखा हुआ है जिसमें सारे चेकअप फ्री है, और जो ऑपरेशन भी है लेजर ऑपरेशन है सिर्फ 5,000 में है, और स्पेक्स है वो सिर्फ 99 रुपीज़ में है यहाँ पे, तो आप सब लोग इसका लाभ लीजिए। एक महीने का जो है आपका जो आपकी बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि हमें आके बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी नंबर्स भी होते हैं वो जो भी है, तो हमें एक मौका मिला है एक महीने के में जो भी चेक करवाना है आप करवा सकते हैं, और प्लीज़ आप आइए और इसका लाभ लीजिए।
सर चश्मों की अगर बात करें तो 99 रुपीज में जो भी चश्मा उपलब्ध है वो चाइना के होते हैं, वो ग्लास जो है आंखों को इफेक्ट नहीं 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 हम लोग अच्छी आंखें हैं उसको भी खराब जी नहीं 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 यहाँ पे जो दे रहे हैं वो नॉर्मल जो बाहर 1000-1200-1500 में मिलते वही है, नो चाइना के नहीं है। अच्छा जी स्वदेशी है। हाँ और मैं कहता के उल्टे चश्मा जैसा नहीं है, सीधा चश्मा है जी, नहीं आई कर मेक इन इंडिया वाला चश्मा है। और कितना जरूर और कितने ब्रांच है इसके? अगर ब्रांच नहीं अभी तो ये एक ही ब्रांच है, लेकिन अगले कुछ सालों में हम लोग पूरे बम्बई में अलग अलग ब्रांच खोलेंगे। ओके वैसे प्लानिंग है। और इंटीरियर की बात करें, गांव रूरल इलाकों की अगर बात करें जी सर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे इस प्रकार की सेवा करने का, तो क्या कुछ प्लान है आपका फ्यूचर प्लान कि भाई इस प्रकार का रूरल इलाकों में भी हम सेवा रूरल एरिया में देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे सेटअप नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई कर पक्का करेंगे जी, कोशिश करेंगे। और उल्टे सर मनोज जी आ जाते हैं, उल्टे इधर आ जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रमोशन का? ये तरीका एक नायाब तरीका अपनाया है आपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लोग मॉल में जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं, आपने एक लोगों के बीच जाके सेवा करने का प्लान बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? ये प्लान हमारे प्रोडक्शन हाउस का था, जब से फिल्म सोची थी हमने, क्योंकि हेमांगिनी जी और जीतू भाई काफ़ी चैरिटेबल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो डे वन से जब फिल्म सोची गई थी फिल्म फ्लोर पे जा रही तभी से सोचा था, और हम लोग लगातार रिलीज तक ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट मिनिमम या 3-4 बार भी हम कोई ना कोई जहाँ भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं वलसाड के पास एक हेल्पिंग होम करके है, तो वहाँ पूरी टीम जा रही है, जो बुजुर्ग मेडिकल सेवा चाहिए वृद्धाश्रम में नहीं लेकिन उनको ज़रूरत है मेडिकल की, वैसा एक हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ जा रहे हैं। फिर और एक जगह है जहाँ पे ऐसे ही जैसे झीनी में हमारे यहाँ आँखों का इलाज होता है, वैसे किडनी का होता है, फिर हमारे मित्र ब्राइट वाले योगेश जी आ रहे हैं जिनका डायलिसिस सेंटर है, हमारी पूरी टीम वहाँ भी प्रमोशन के लिए जा रही है, और आपके माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि उल्टे फिल्म के सभी लोगों को ये मौका मिला है कि ठीक है लोगों की तालियां सीटी मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगा, साथ में कुछ दुआएं मिल जाए। मैम आप क्या कहेंगे, प्रमोशन ये एक नायाब तरीका है प्रमोशन का, लोगों के बीच जरूरतमंद लोगों के बीच जाके अपने फिल्म का प्रमोशन करें, साथ में उनके थोड़ी हेल्प भी कर सके, क्या कुछ कहेंगे? जी प्रमोशन से ज़्यादा तो हमारा इरादा यही रहा है कि हम लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आई स्ट्रॉन्गली बिलीव समवेयर इन कर्मा, कि आप कुछ अच्छा करते हो तो अच्छा आपको लौट के ज़रूर आता है, तो उस तरीके से मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर एक महीना ये 1 तारीख से जो शुरू हुआ है 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, 1 महीने में अगर आप एक फ्री चेकअप भी करवा लेते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एंड उसमें आप एक सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी एक होता है कि आप एक नॉर्मल एग्जामिनेशन करवाने भी अगर जाते हैं तो आपके 1500-2000 रुपये जैसा डॉक्टर जैसी स्पेशलिटी वैसे वो आपको चार्ज कर देते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स मैंने खुद देखे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छे, और जैसे मैंने पहले भी कहा मैंने काफ़ी लोगों को रेफ़र किया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो जस्ट आउट ऑफ एक सेकंड ओपिनियन लेने के हिसाब से भी एनीवेज इट इज़ फॉर फ्री, आप क्यों ट्राई ना करना चाहे, करना ही चाहिए। प्रमोशन के लिए तो हम बस सारे चैरिटेबल लग रहा है उल्टा तरीका है कि सही तरीका है? नहीं ये यही सही है, यही सही तरीका है कि जो जिनको ज़रूरत है उनके पास तो सब लोग पहुंचते हैं, जिनको जिनको रियल में ज़रूरत है उनके पास हम लोग पहुंचते हैं, कि भाई जो गरीब है वो जो लोग नहीं ले सकते चश्मा नहीं ले सकते या चेक नहीं करवा सकते उनके लिए हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। कि जिनी जो जीत भाई है जीत कुमार जी वो उनका है, और वो ये चैरिटेबल आँखों के लिए जो चैरिटी करते हैं, एंड मैं उनके साथ जुड़ा हूँ बिकॉज वो मेरे प्रोड्यूसर है, दो फिल्म हमने साथ में की है, पहले एक की थी बेटियों के बल्ले बल्ले और अब एक फिल्म की है उल्टे जो अब रिलीज़ होने वाली है, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो बेसिकली आइज़ का जो प्रॉब्लम है ये वो, तो ये पूरा मंथ फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉज, सो आई फील वेरी गुड बीइंग हियर। शिवा सर क्या कुछ कहेंगे इस एक वर्ष पूरा? मुझे लगता है किसी भी चीज़ का दान जो करता है इंसान
बहुत बड़ा दावा है। और जो नेत्र का जो सारी चीज़ें करते हैं वो तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ा दान है, मतलब उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अगर उसके लिए लोगों के लिए चैरिटी होती है तो लोगों के ड्रीम्स जो आंखों में बसते हैं वो देख सकते हैं, और ड्रीम्स को दिखाने के लिए ये लोग इतनी सारी फ्री दवाइयाँ देते हैं आँखों को ठीक रखने के लिए, आँखों के ऑपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, हमें भी बाहर जाकर लोगों से ये बोलना चाहिए कि बार बार ये लोग हम जैसे सेलिब्रिटीज यहाँ आएँ और इस बात को और इस चीज़ को दोहराएं और लोगों को जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में शामिल हो और उनको लाभ मिले। ओके अरुण जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस रिटायर्ड टीम को और इनके जिन्हें जो ये कार्य कर रहे हैं, कितना सराहना? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी भलाई होती है कलयुग के बीच में, जहाँ जहाँ भी भलाई होती है, अच्छा काम होता है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का ख्याल करता है, उसके पास रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज को दूसरे की भलाई के लिए लगाता है, जैसे आँखें हैं, आँखें तो बहुत बड़ी नेमत है। और वहाँ पे मुझको ऐसा लगता है जैसे कलयुग में एक सतयुग का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बीइंग अ टीम फ्रॉम फिल्म उल्टे कि हम एक महीने में या 15 दिन में जब जब भी हमको समय मिलता है 2 बार 4 बार 6 बार हम जाते हैं और जाके अपना वहाँ पर जो भी हम उनका एंडोर्समेंट है वो करते हैं। हम सब लोग पूरी टीम जो उल्टे की है, हमारे डायरेक्टर मिस्टर मनोज नथवानी एंड जीत उपेंद्र शिवा मैसल आदि, हम सब लोग जो हैं जहाँ जाते हैं एंडोर्समेंट करते हैं, उससे क्या है कि एक मरीजों को भी अच्छा लगता है और हमारी फिल्म को एक 5 से 10% जो एक दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, वो हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको। एंड वी विल कीप एंडोर्सिंग दिस, वी विल कीप ब्लेसिंग देम, वी कीप डूइंग दिस जॉब ताकि और लोग आएं और वो और ज़्यादा अच्छा काम करें। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने अपनी आँखों को मेरे जाने के बाद दान में दी हुई है, सो मैं चाहूँगा कि आप जो भी इंसान आए बात आगे बढ़े उनको बोले कि आँखें स्वच्छ रखे ताकि आपके जाने के बाद किसी और के भी काम आ सके। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जीत सर, एक नायाब तरीका है प्रमोशन का, उनके उल्टे की बात करें तो लोग माहौल में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन गरीबों के बीच में जाके बोलने का आपकी टीम इस तरीके का प्रमोशन कर रही है, काबिले तारीफ है। और कहाँ से इसी ऐसी ख्याल कैसे आए और किसकी किसकी ऊपर है ये प्रमोशन करेंगे? ये प्रमोशन तो हो ही रहा है, लेकिन बिना प्रमोशन के भी अगर जीत भाई या मनोज भाई या जो भी ये अच्छा काम कर रहे हैं अगर हमको बुलाते तो आई एम श्योर ऑल दी आर्टिस्ट वुड सपोर्ट। तो प्रमोशन अपनी जगह है, लेकिन ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, प्रमोशन से भी बड़ा काम ये है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट हु आर विद मी, दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल एंड हेल्पफुल पीपल एंड दे विल डू इट, फिल्म और नो फिल्म हम जाएंगे। जैसे मैं फिल्म में हूँ नहीं, आई एम हिज फ्रेंड, जब उसने हम लोगों का ये एक ही सारी सेलिब्रिटीज जो सेलिब्रिटीज अपने बल पे आगे बढ़े हैं जिंदगी में, जो नीचे स्क्रैच से आगे बढ़े हैं, उनको बताया कि दुनिया में तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो आज मैं उस फिल्म के लिए नहीं हूँ, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ, लेकिन जब मुझे बताया कि आँखों की बात है और ये एक शिविर चल रहा है नो एक लोगों को फ्री में इलाज करने का, तो मैं आ गया। तो सबसे अगर मैं इनसे बोलता या इनसे बोलता तो एक बार सोचते नहीं है, मतलब एक कदम आगे ही बढ़ता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सबसे पहले तो जीनी को इतना अच्छा और सेवा का काम करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक साल मतलब ख़त्म हुआ है, मैं चाहती हूँ कि और 100 साल आगे ये चले और ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। जी हाँ जी जी,
उनके बीच में जाके हमारे साथ इतिहास में इतना लकी मान लिया क्या कुछ नहीं। मैं बहुत मतलब हमने मेहनत की इस फिल्म में और मतलब मस्ती भी की है, लेकिन प्रमोशन इस जगह पे देखो अच्छी जगह तो हर कोई करता ही है अच्छी ऑडियंस को, तो लेकिन हम लोग हर जगह ऐसे सोशल भी मतलब ऐसे लोगों के सामने जाके भी हम लोग जहाँ भी पॉसिबल है ऐसी जगह पे जाके हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और इसी बहाने उन लोगों से मिलने का और इनके प्रॉब्लम जानने का या अच्छे हमको भी कुछ उनके लिए करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत लकी है। नहीं मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ जो बोलना था, आई एम जस्ट हियर। ये फ्रेम में एक फर्नीचर चाहिए था तो। नहीं हम जी बोलिए कुछ नहीं, मैंने बोला ये हमारे उल्टे मतलब उत्तम राव तेंदुलकर लक्ष्मण राव तेंदुलकर फिल्म बोलते पॉलिटिकल सोशल बेस पे है और मराठी बेस लिया हमने, तो और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो ये देख रहा है वो सब जब रिलीज हो फिल्म को देखने जाए उल्टे। थैंक यू आज ये एनिवर्सरी है फर्स्ट जियो का और पहला प्रेजेंट आप थे, तो क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आज एक साल? लास्ट ईयर एक गणपति फेस्टिवल में इन्होंने एक कैंप लगाया था इधर मॉडल टाउन में, तो आई जस्ट वेंट देयर, तो उनका कैंप में मिस्टर जहीर थे वहाँ पे इंचार्ज, तो उन्होंने चेक किया, बोला आपके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, आप हमारे क्लिनिक में आ जाइए, वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं सब, तो वो आपको गाइड करेंगे कि, क्योंकि मेरे लेफ्ट आई में बिल्कुल विजन नहीं था, थोड़ा काम के व्यस्त होने की वजह से मैं एक महीने बाद टाइम निकाल के एक दिन मैं जीनी आई केयर में आए, तो इनिशियली जब आई चेक किया तो लेफ्ट आई में मुझे कंप्लीट कैटरेक्ट का उन्होंने डिटेक्ट किया और कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा विजन नॉर्मलाइज करने के लिए। डॉक्टर मिकिन शाह थे जिन्होंने मुझे चेक किया और बहुत अच्छा चेकअप हुआ था एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट लिख के दिए कि आप ये टेस्ट कंडक्ट करा दीजिए, फिर उन्होंने बहुत से अच्छे ऑप्शंस भी दिए थे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ लेंस एंड ऑल दैट, तो उन्होंने मुझे एकदम इकोनॉमिकल ऑप्शंस दिए थे, आप जो चूज़ करेंगे आप हम वैसे कर देंगे, और तो फिर मैंने कंसल्ट करके एक 15-20 दिन के बाद टेस्ट करवा के मैंने वो ऑपरेशन करवाया लेफ्ट आई का, और बाद में इनफैक्ट ऑपरेशन करने से पहले जब एक बार रेडी थे तब आँख में इन्फेक्शन हो गया था, मिकिन शाह सर ने खास नोटिस किया कि अरे ये तो आपको इन्फेक्शन हो गया आँख में कंजक्टिवाइटिस, उन्होंने ऑपरेशन पोस्टपोन कर लिया एक 15-20 दिन एक महीने के लिए, क्योंकि उस वक्त ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वो एक थोड़ा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी था और मेरे लिए भी थोड़ा ये था। बाद में मेरा ऑपरेशन पोस्टपोन होकर एक महीने बाद फिर उन्होंने कंडक्ट किया, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल गया, 6x6 विजन रिस्टोर हो गई है मेरे लेफ्ट आई में एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बाद में मैं फ्रीक्वेंटली एवरी क्वार्टरली विजिट करता हूँ, उनको आँखें दिखाता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारी फैसिलिटी इस लोकेशन में एक रीजनेबल कॉस्ट में एक अच्छे डॉक्टर्स हमको मिले हैं और हमको आईज के बारे में जो भी प्रॉब्लम है उनको, उसके बाद उन्होंने चश्मे का भी उनका उनके पास फैसिलिटी है ग्लासेस और फ्रेम्स का, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके लिए मैं आज खास आया हूँ। जब उन्होंने कहा कि आज हमारी एनिवर्सरी है आप जरा आ जाइए, तो मैं आया हूँ खास नॉट एज ए क्लाइंट बट एज ए सपोर्ट करने, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेट देम कंटिन्यू इट, और हमारे जैसे बहुत से लोगों का उन्होंने हेल्प किया है और आगे भी करते रहे, ऑल दी बेस्ट विशेष।